नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ITI ड्यूरंग की सीट नंबर 4 की। सीट नंबर 1, 2 व 3 अपन पहले बना चुके हैं, आज बनाएंगे सीट नंबर 4, जिसमें अपन निर्माण करेंगे पंचभुज का। जैसे अपन ने दो भुजाओं से बनी आकृति देखी और फिर तीन भुजाओं से त्रिभुज, चार भुजाओं से आयत, आज देखेंगे पांच भुजाओं से बंद घिरी आकृति, पंचभुज का निर्माण कैसे किया जाएगा। तो पंचभुज का निर्माण करते समय आपको पता होना चाहिए, आपको एक भुजा का मान दिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अपनी भुजा मान लेता हूँ 70 mm। सत्तर mm का मतलब हो गया 7 सेमी, अर्थात मैं आधार की रचना करूँगा अपनी। पंचभुज का निर्माण तभी किया जा सकता है जब आपके पास में एक निश्चित मान का राशि होनी चाहिए। जैसे ये मेरी 70 mm या जिसे अपन 7 सेमी कहेंगे, तो मैंने 70 mm की एक AB रेखा की रचना की है और इसी 70 mm का मुझे पंचभुज का निर्माण करना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंचभुज बनाने के लिए आपको आवश्यक इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रकार होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे 70 mm की एक रेखा ड्रॉ करेंगे, 70 mm की रेखा करने के बाद आपको प्रकार A से लेके B तक बढ़ाना है और एक अर्धवृत्त का निर्माण करना होगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका अर्धवृत्त का निर्माण। अब देखो विद्यार्थियों क्या करना होगा, थोड़ी सी बात महत्वपूर्ण है कि ये जो आपका अर्धवृत्त बना है आपको पंचभुज का निर्माण करना है, जिसे अपन पेंटागन कहेंगे। तो पंचभुज में निर्माण करने के लिए आपको इस अर्धवृत्त परिधि के 5 बराबर भाग बांटने हैं, 5 बराबर भागों में टुकड़े करने होंगे। तो आपको पता है कि इस अर्ध परिवृत्ति का मान ज्ञात करना होगा और अर्ध परि माप ज्ञात करने के लिए आपके पास में त्रिज्या होनी चाहिए। तो आपको पता है अपनी त्रिज्या है 70 mm। तो अगर पूरे वृत्त की परिधि ज्ञात करनी हो तो उसका फॉर्मूला आप सभी को पता होता है 2πr। अपन को अर्ध चाहिए तो मैं 2 का भाग दे दूंगा, तो इस तरीके से हो गया। तो ये होगा आपका पाई आर, तो पाई अपना हो गया 22/7। आर का मान आपके पास में है 70 mm और टुकड़े कितने करने हैं आपको 5, तो मैं फिर इसको दे दूंगा 5 का भाग। इस तरीके से 7 से ये कट गया 10 बार, फिर ये 5 से कट जाएगा 2 बार, अर्थात आपके 5 टुकड़े करोगे तो एक टुकड़े का मान आ जाएगा 44 mm। ध्यान रखना ये सारी कैलकुलेशन आप रफ में करेंगे। इसी प्रकार आपके 5 भागों में बांटोगे तो एक टुकड़े का मान आएगा 44 mm। तो मैं फिर अपने स्केल से जो ये अपना प्रकार है, तो ध्यान रखिएगा इसको आपको प्रकार खोलते समय ध्यान रखना है पूरा ही इस तरीके से। अब मैं इस परिधि पर 5 चाप काट दूंगा इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, ये हो गया आपका 5। तो आप चाप काट से में ध्यान रखें प्रकार को उतना ही खोलें जितना आपको उसका मान प्राप्त हुआ है। अब विद्यार्थियों क्या करना होगा कि अब मैं इनको नंबर दे दूं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप क्या करेंगे कि बिंदु A को 2 से मिलाएंगे, बिंदु A को 2 से मिला देंगे। अब क्या होगा, आपको 2 रेखाएं प्राप्त हो चुकी है AB A2। अब आप प्रकार की सहायता से इन दोनों रेखाओं का समद्विभाजन करेंगे, यानी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो रेखा को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए अपन रेखा की लंबाई का आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, 1 चाप ऊपर 1 चाप नीचे, और बिंदु 2 पर रखेंगे, इसी चाप को काटेंगे 1 चाप ऊपर और 1 चाप नीचे। जहाँ पर ये दोनों चाप आपस में काटेंगे उन दोनों चापों को आपस में मिला देंगे। इस तरीके से ये अपना हुआ रेखा 2A का समद्विभाजन। इस तरीके से
अब अपन रेखा ए बी का सम विभाजन करेंगे जो आपका कुछ इस प्रकार से, एक चाप ऊपर एक चाप इस तरीके से नीचे अपना, और इसी में बिंदु ए पे रखे एक चाप यहाँ पे और ये आपका एक चाप यहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों चाप काटे उन दोनों चाप को आपस में स्केल की सहायता से मिला देंगे और रेखा को आगे बढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे कि रेखा ए बी का समद्विभाजन और रेखा 2A का समद्विभाजन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर एक बिंदु प्राप्त होता है जिसे बिंदु को नाम दे देंगे O। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपको बिंदु प्राप्त हुआ है O, वहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है और इस प्रकार की नोक को रखकर इसे बिंदु A तक या बिंदु B तक बढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे दोनों का मान समान प्राप्त हो रहा है, तो मैं क्या रखूँगा कि यहाँ पर मैंने प्रकार को रखा A पर और एक वृत्त का निर्माण कर दूंगा इस तरीके से। आप अपनी शुद्धता की जांच कर सकते हैं, जैसा कि अगर ये सही होगा तो बिंदु ए को भी स्पर्श करेगा, बी को भी स्पर्श करेगा और बिंदु दो को भी स्पर्श करेगा। अब आपने वृत्त का निर्माण किया है, अब आगे अगला क्या स्टेप होगा अपना, अब अपन बिंदु ए को प्रकार रखे बी तक बढ़ाएंगे और अब वृत्त पर एक चाप काटेंगे ए से बी के लिए और बिंदु दो पर रखे एक चाप काटेंगे ऊपर। अब इसी तरीके से आपको दो नए बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। अब अपन को क्या करना है कि बिंदु बी से काटे गए चाप को बिंदु बी से मिला देंगे स्केल की सहायता से कुछ इस तरीके से, और बिंदु दो से काटे गए चाप को बिंदु दो से मिला देंगे कुछ इस तरीके से। अब दोनों चापों को आपस में इस तरीके से स्केल की सहायता से मिला दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से पन्नी आकृति आपकी हो गई पंचभुज। जैसे आप हम इनका नंबरिंग कर देंगे, जैसे बिंदु ए बी बिंदु सी बिंदु डी और बिंदु ई। आप अपने स्केल की सहायता से इसे माप कर भी चेक कर सकते हैं कि आपका बनाया गया पंचभुज समान है कि नहीं है। देखिए जिस तरीके से ये भी साथ होगी आपकी, इस रेखा की लंबाई भी साथ, इसी रेखा की लंबाई भी साथ, इसी रेखा की लंबाई साथ और इसी रेखा की लंबाई भी साथ प्राप्त होगी। ठीक है, पंचभुज बनाते समय ध्यान रखें, दोबारा एक बार आधार का निर्माण करेंगे ए बी का, फिर बिंदु ए से बी तक प्रकार को बढ़ाएंगे, एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे, फिर अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे जिसका फॉर्मूला आपको पता है कि पूरी परिधि का फॉर्मूला था 2πr, अर्धवृत्त की परिधि का हो जाएगा पाई आर, आर का मान अपना 17 mm है, 17 mm ज्ञात करेंगे। फिर इसी तरीके से फिर इस परिधि के टुकड़े करने हैं 5। आपको पंचभुज का निर्माण करना है तो अपन ने टुकड़े किए 5, तो मैं 5 का भाग दूंगा तो अपना मान आ जाएगा 44 mm। तो मैं क्या करूंगा, 44 का अपना प्रकार खोलूंगा और 44 के 5 चाप काट दूंगा, जैसे 1, 2, 3, 4 एवं 5। मैंने इन पर नंबरिंग कर दी 0, 1, 2, 3, 4 एवं 5। अब याद रखना है कि बिंदु ए से आपको दो को ही मिलाना है, ना ए और तीन को। तो ध्यान रखना, बिंदु ए को दो से मिलाएंगे तो आपको एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब इन दोनों रेखाओं का आपका समद्विभाजन करना होगा प्रकार की सहायता से। आधे से ज्यादा चाप प्रकार खोलेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे काटेंगे, इसी तरीके से रेखा ए बी का समद्विभाजन हो जाएगा और इसी तरीके से रेखा ए टू का समद्विभाजन कर देंगे। दोनों रेखाओं का समद्विभाजन जिस बिंदु पर मिलता है उसे बिंदु ओ नाम दे दिया जाएगा। अब बिंदु ओ से प्रकार को ए तक बढ़ाना है और एक वृत्त का निर्माण करना होगा। वृत्त का निर्माण करेंगे, अगर अपनी शुद्धता है तो वह वृत्त बिंदु बी व बिंदु टू को भी स्पर्श करेगा, स्पर्श करेगा। अब अपन प्रकार को वापस ए से बी तक बढ़ाएंगे और जितना होगा उस वृत्त को खोल के चाप को वृत्त के ऊपर चाप काटेंगे, एक सी के लिए और एक बिंदु डी के लिए। जैसे अपने पास पहले 3 बिंदु प्राप्त हो चुके थे ए बी व दो, अब बिंदु दो प्राप्त और हो जाएंगे। इसी तरीके से बिंदु ए को बिंदु सी से मिला देंगे और बिंदु सी को डी से व डी को ई से। तो ये आपका पंचभुज का निर्माण हो चुका है। इस मेथड का नाम है सेमी सर्कल फर्स्ट। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।